हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आंसर की आ चुकी है हरियाणा, जो जेई का इलेक्ट्रिकल का पेपर था 29 अप्रैल को। तो ये पेपर 3 की आंसर की है मेरे पास, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हिंदी का, निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो नेत्र जल का पर्यायवाची क्या होगा? दाख, विलोचन, आंसू, अंशु। तो आंसू होगा। नेत्र जल मतलब आंखों से जो पानी निकलता है, तो उसे क्या बोलते हैं? आंसू बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न शब्द का विपरीत विलोम अर्थ बताइए। तो भाव का अपोजिट मतलब विलोम अर्थ क्या होगा? प्रभाव, स्वभाव, अभाव या अहम भाव। तो क्या होगा? भाव का विलोम होगा अभाव, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे लिखे गए शब्द का एक वचन बनाएं। तो आर्यों का एक वचन क्या होगा? आरी, अरी, आरी या आररी। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, आरी होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे लिखे गए शब्द का बहुवचन बनाएं। तो पत्थर का बहुवचन क्या होगा? पत्थरों होगा, पत्थरों नहीं होगा, ठीक है। तो पत्थरों होगा, ऑप्शन सी इज द राइट। और क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए मुहावरे का उचित अर्थ बताएं। तो दीन दुनिया से जाना मतलब कहीं का ना रहना, मर जाना, घर से भाग जाना या दुखी होना। क्या होगा? दीन दुनिया से जाना मतलब कहीं का ना रहना। और क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे इंग्लिश का आ गया, डैश इज द सिनोनिम ऑफ वर्ड इनसेन। तो इनसेन का सिनोनिम क्या होगा? सिमिलर वर्ड, सेंसिबल, इनसिक्योर, फुलिश या मीनिंगलेस। तो फुलिश होगा, ठीक है। इनसेन मतलब फुलिश, मतलब बुद्धू या मूर्ख जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इनसेन मतलब फुलिश। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डैश इज द एंटोनिम ऑफ यूनिक। यूनिक होता है सबसे अलग, ठीक है। तो उसका एंटोनिम क्या होगा? कॉमन, मतलब एक सिमिलर। तो यूनिक का एंटोनिम क्या होगा? कॉमन, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम इन द सेंटेंस ही रैन ऑफ द स्टेज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। तो मतलब वो स्टेज से भाग गया, मतलब जैसे किस तरह से जो टोपी है वो खिसकती है, तो मतलब इंस्टेंटली एकदम से भाग गया वो स्टेज से, ठीक है। तो स्लोली नहीं होगा, हैप्पीली नहीं होगा, स्टाइलिशली। अब टोपी थोड़ी कोई स्टाइलिश वे में गिरेगी, ठीक है। तो इंस्टेंटली होगा इसका मतलब, एकदम से, विद इन अ सेकेंड। और क्वेश्चन नंबर 9 थे, सेंटेंस गिवन बिलो क्या लिए यहाँ पे, सेंटेंस गिवन बिलो मे कंटेन वन और मोर मिस्टेक, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस बताना है आपको। तो ही ऑलवेज रीच लेट फॉर स्कूल, आपको देखना है कि इसमें मिस्टेक है या फिर नहीं है या फिर करेक्ट है ये। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी क्या मिस्टेक है। ही ऑलवेज रीच लेट फॉर स्कूल, फॉर स्कूल, फॉर स्कूल नहीं होता, टू स्कूल होता है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, देखो फर्स्ट क्या दिया आपको, ही ऑलवेज रीचेस लेट टू स्कूल, हाँ, कि वो हमेशा स्कूल लेट पहुँचता है। तो क्या होगा, तो प्रेजेंट टेंस है ना, तो रीचेस होगा, एस और ई एस लग गया, ठीक है। तो ही ऑलवेज रीचेस लेट टू स्कूल, लेट फॉर स्कूल नहीं होगा, लेट टू स्कूल होगा, ठीक है। और देखो कुछ वैसे बी में देख लो क्या है, ही ऑलवेज डू रीच लेट फॉर स्कूल, ये तो खुद ही गलत है, डू तो लगेगा नहीं। ही ऑलवेज रीच्ड लेट फॉर स्कूल, नहीं ये भी गलत है, ये पास्ट में है। ही ऑलवेज रीचेस लेट फॉर नहीं होगा, टू लगता है हमेशा, ठीक है, टू स्कूल। लेट टू, लेट के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगती है? टू लगती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 दिया आपका, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको बताना है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगेगी। द सन डैश शाइनिंग ब्राइट इन द स्काई व्हेन ही वोक अप। तो द सन बी शाइनिंग आएगा, नो, द सन इज शाइनिंग ब्राइट इन द स्काई व्हेन ही वोक अप। जब वो मतलब जब वो उठा सुबह, तो जो सन है वो शाइन कर रहा था, मतलब ब्राइट वे में, इन द स्काई। तो क्या आएगा, द सन बींग नहीं आएगा, द सन वॉज शाइनिंग, मतलब सूर्य चमक रहा था इन द स्काई जब वो उठा। और क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हिस्ट्री के क्वेश्चन आगे। तो व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन का, को और किस वे किस नाम से जानते थे। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते थे उसे, लोदल सिविलाइजेशन, चनहुदारो सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, नहीं,
जो इंडस वैली जो सिंधु घाटी घाटी की जो सभ्यता थी उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था पहले, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, इन द लोकसभा इन द सिक्सटींथ लोकसभा टू सीट्स गो टू द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, हु नॉमिनेट्स द टू मेंबर्स। कि जो 16वीं जो लोकसभा, यहाँ पे हिंदी में देख लो, 16वीं लोकसभा में दो सीटें एंग्लो इंडियन समुदाय के नामित सदस्यों के पास जाती थी, इन दो सदस्यों को कौन नामित करता है? तो कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। और अभी हमारे प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद जी। और क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, ठीक है, गंगा रिवर। और विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद के में अनन्य मूत्र मूल क्षेत्र अधिकार प्राप्त हैं? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट होगा, ओके। और फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है, पांडव प्रस्थ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले का ऐतिहासिक नाम है? तो पांडव प्रस्थ किसका हिस्टोरिक नेम, और विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट का नाम पांडव प्रस्थ था? पानीपत को पहले किस नाम से जाना जाता था? पांडव प्रस्थ के नाम से, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक, ने कौन सा डिस्ट्रिक्ट को बनाया था, कौन सी जिले को स्थापित किया था? तो जो हरियाणा का जो हिसार जिला है उसे स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक जी ने, ओके। और क्वेश्चन नंबर 17 है, विच बैटल वीकेंड द मुगल एम्पायर एंड लेड टू इट्स एंड। तो बैटल ऑफ जो करनाल का जो बैटल था ना, तो उसे उन्होंने ख़त्म किया था मुगल एम्पायर ने। किस लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया और उसे उसके अंत तक पहुंचा दिया था? तो बैटल ऑफ करनाल ने मुगलों को उसके मतलब अंत तक पहुंचा दिया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये क्वेश्चन है, हिस्ट्री के हैं, और देख लेना इनको आप। अगर किसी में आपको लग रहा है कि गलत है आंसर की में, तो आप टाइप करके बता देना, ठीक है। और अपने स्कोर भी ज़रूर टाइप कीजिए, जो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं। वर्ल्ड एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 21 मार्च को, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस फॉरेस्ट्री डे कब मनाते हैं? तो 21 मार्च को मनाते हैं। और बाबा रामदेव वॉज बॉर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ है? तो महेंद्रगढ़ जिले में हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन है हरियाणा के। उसके बाद फाइंड, हाँ ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट इन द फॉलोइंग। तो टॉक वॉक रन जंप, तो देखो टॉक तो हो गया बातें करना, वॉक मतलब वॉकिंग करना, रन मतलब दौड़ना, जंप मतलब जंप करना। तो ये सारे भागना दौड़ना कूदना ये सारे एक ही उसके हैं ना, तो टॉक बातें करना सबसे अलग है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन 41 के, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप सिमिलर टू दैट एक्सप्रेस इन द ओरिजिनल पेयर। मतलब जो ओरिजिनल पेयर में बताया गया ना आपको रिलेशन इन दोनों के बीच में, वही आपका आगे कैंडल से आगे बताना है। जैसे पेपर पल्प है तो कैंडल क्या होगा? पेपर पल्प मतलब कागज़ अगर गुद्दा है ना, वहाँ मतलब गुद्दे से बनता है ना, तो फिर कैंडल क्या है? कैंडल किससे बनती है? वैक्स से, ठीक है। थ्रेड नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा, लाइट नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, वैक्स। और क्वेश्चन नंबर 42 है, फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग सीरीज, ये सीरीज है आपको एक दी हुई, आपको फाइंड करना है जो ब्लैंक दिया है इसमें कौन सा नंबर आएगा। तो देखो 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, 16 है, फिर डैश है, फिर 36 है, फिर 49। सिंपल सा लॉजिक स्क्वायर का चल रहा है यहाँ पे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 दूनी 4, 3 स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 स्क्वायर 4 4 जा 16। तो अगला क्या आएगा? 5 स्क्वायर 5 5 जा 25, और 6 square 6 6 36, ठीक है। तो 25 आएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
और यहाँ पे दिए फ्रेंड्स ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं. इन अ कोड क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा. इन अ कोड लैंग्वेज इफ़ लेक इज़ रिटन एज MNBCL MFG देन पॉन्ड विल बी रिटन एज. देखो देखने में आपको लगा होगा कि कोडिंग डिकोडिंग में ना कभी ऐसा देखने को मिला नहीं होगा आपको क्वेश्चन की चार वर्ड का दिया है और आगे आपको उसका कितना दिया है, 1 2 3 4 5 हाँ 8 वर्ड का दे दिया है कोड. तो देखो ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल लॉजिक है ये. एल दिए एम एन, एल के बाद क्या आता है एम एन, ठीक है. तो एल के आगे दो वर्ड लिखे आपने एम एन. ए ए के बाद क्या आता है बी सी, ठीक है, तो बी सी लिख दिया आपने यहाँ पे. और के बाद क्या आता है एल एम, है ना, एल एम आएगा. और ई के बाद क्या आता है एफ जी. तो मतलब जो लेटर दिए उसके आगे के दो लेटर आपको लिख देने हैं. तो पॉन्ड दिया है तो पॉन्ड का क्या होगा, देखो पी के बाद क्या रहेगा क्यू आर, ओ के बाद कहते हैं पी क्यू, एन के बाद ओ पी और डी के बाद ई एफ. तो सिंपल सर डी आएगा इसका आंसर. तो इस तरह से देख लेना फ्रेंड्स, ये मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन भी हैं, इसमें कुछ न्यूमेरिकल हैं आपके इलेक्ट्रिकल वगैरह के, तो देख लेना. अगर किसी में डाउट हो तो बताना ज़रूर. ये 90 क्वेश्चन थे हमारे पेपर 3 के, ठीक है. ये बता देती हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 84 क्या दिया है. इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर इज डिसाइडेड बाय, चालक का आर्थिक आकार डैश के अनुसार तय किया जाता है. तो किसके रूल के अकॉर्डिंग जो साइज है कंडक्टर का वो डिसाइड किया गया था, तो वो केल्विन्स लॉ के अकॉर्डिंग किया गया था, ठीक है. तो ऑप्शन बी इज़ राइट. और क्वेश्चन नंबर 85 है, ACSR इज़ कॉमनली यूज कंडक्टिंग मटेरियल इन दिस. ACSR स्टैंड्स फॉर, ACSR की फुल फॉर्म क्या है. तो देखिए जो आपकी फुल फॉर्म है ना वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो इन्हें एब्रीवेशन जिसे कहते हैं, तो इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है. तो इसका क्या है ACSR की फुल फॉर्म, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है, रेनफोर्स्ड. तो एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 86 है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स आर यूज्ड फॉर. तो किस लिए यूज़ होते हैं वो, वोल्टेज जिनकी हायर होती है देन 33 किलोवाट. और इस तरह से है ये क्वेश्चन, ठीक है. तो देख लेना आप. क्वेश्चन नंबर 90 क्या है हमारा, ल्यूमेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज कैंडल पावर इनटू सॉलिड एंगल, ऑप्शन ए इज करेक्ट. फ्रेंड्स ये थे हमारे 90 क्वेश्चन और ये पेपर 3 की आंसर की थी मेरे पास, ऑफिशियल आंसर की है ये. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ टाइप करके ज़रूर बताइए और अपने मार्क्स शेयर कीजिए. और वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि इससे आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ईजीली मिल जाएगी. और जिन जिन के भी मार्क्स अच्छे हैं वो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए नेक्स्ट एग्जाम्स की, जो भी इसका होगा सेकेंड पेपर. तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए. बाय बाय, सी यू अगेन.